चलो मासी अब तुम एक एक करके आइटम नंबर शुरू करो। बेबी को एंटरटेन करने की तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। अच्छा जी। हाँ नहीं तो मासियों के होते बेबी नहीं रोना चाहिए, है ना बेटू? वैसे टीटी जी, जूनियर टंडन के आगे तो हम मासियां बस कोशिश ही कर सकते हैं। हाँ। जानू जूनियर टंडन नहीं, शिवाय आनंद सिंह टंडन। वाओ, इन शॉर्ट शिवानंद। अरे इससे मुझे याद आया, जतिन जतिन, अरे जतिन सुन तो। हाँ भैया। मैं क्या कह रहा था, कल मुझे इसका डिस्चार्ज पेपर दे देना, तो फिर मैं जाके बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह बनवाने का काम कर लूंगा। क्या हुआ भाई, किस सोच में डूब गया, क्या बात है बोल। जतिन क्या हुआ बता तो सही, क्या हुआ बोल भैया। एक्चुअली वो भैया। हाँ? आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मैंने बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लिया है और इस बच्चे का नाम शिव नहीं अंबर है। बर्थ सर्टिफिकेट बनवा चुके हो, कब बनवाया भाई, और बताना भी जरूरी नहीं समझा? अरे बच्चा हमारा है तो हम जो चाहे वो करेंगे। आपको हर बात बताने की क्या जरूरत है जतिन? ये सोना, 4 दिन मायके में रहने का मतलब ये नहीं है कि तुम घर के संस्कार भूल जाओ, पहले तमीज से बात करो। और जतिन तू मुझे ये बता कि ये सब क्या माजरा है, कितनी बेहूदगी से बात कर रही है ये सोनाक्षी। ये बच्चा देव और तान्या का है तो उसका नाम भी वही डिसाइड करेंगे और उसका बर्थ सर्टिफिकेट भी यही लोग बनवाएंगे, उसमें माँ बाप पे नाम भी इनका ही होगा। नहीं मम्मी जी, ऐसा नहीं हो सकता है। क्या नहीं हो सकता है? ये बच्चा देव और तान्या का है और इस बात पर मुझे इस घर में अब कोई बहस नहीं चाहिए। देव जी, पता करो और सर्टिफिकेट में चेंजेस करवाओ। जी। ताने पुत्र, इसे कंधे पर लेकर थपकी दे, शायद इसको दूध हजम नहीं हुआ है। आजा पुत्र। नहीं कोई जरूरत नहीं है। बचपन से आज तक हमारे बीच जो कुछ भी हुआ, हमें बहुत शिकायतें रही तुमसे, लेकिन फिर भी दिल के किसी कोने में तुम्हारे लिए वो प्यार जिंदा था। पर अब सब खत्म हो गया सागर, सब खत्म हो गया। सुना तुमने, तुम्हारे लिए हमारे दिल में उस प्यार ने दम तोड़ दिया। आज अब हमारे दिल में तुम्हारे लिए सिर्फ नफरत ही नफरत है और कुछ नहीं है। अरे बेटे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, बिना डॉक्टर साहब से पूछे तुमने दवा कैसे दे दी? ये क्या कर रहे हो बेटा, तुम्हें पता है कि वो माँ बनने वाली है और इस तरह से कोई उल्टी सीधी दवाई दे दोगे तो लेने के देने पड़ सकते हैं। बेटा आप लोग परेशान मत होइए, अब पेंशन वाली कोई बात नहीं, लेकिन हाँ आगे से इनका ध्यान रखिएगा। शुक्र संतोषी माँ का कि हमारी बहू ठीक है। मटके से टकराया और मटके को ही कोस रहा है कि चोट लग गई। चल यहां से। कभी कभी हम असाब पर बैठ सकते हैं।
देखो पगली ऐसा है कि वो तो हमने मजबूरी में मतलब उस गुंडा मलमलुका के चक्कर में तुम्हें शाप पे बिठा दिया था, लेकिन अब वो पकड़ा गया है, इसलिए ख्याल अपने मन से निकाल दो। और वैसे भी तुम घर की लक्ष्मी हो, घर की लक्ष्मी हमेशा घर में ही अच्छी लगती है, हम शाप पे अच्छे लगते हैं, ठीक है पगली? चलो अब इतना ही काफी है, शाम को कुछ और बढ़िया सा बना लेना, ठीक है? हम आते हैं।